हरियाणा की सिरसा बैठक पर थी जीत्या बाद कांग्रेस नेता कुमारी सेलजा शू कही रहा छे। आप कैसे इस जीत को देख रही हैं और भविष्य, क्योंकि अब 6 महीने 5 महीने हैं चुनाव के, वहाँ कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए? कि इस चुनाव में हमने बहुत सी चीजें देखी हैं और ये भी लग रहा है कि हम और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, तो इन बातों पर हम पार्टी के अंदर विचार करेंगे और देखेंगे कि कैसे आगे के लिए हम बेहतर रणनीति अपनाएं जो 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है विधानसभा का, ताकि उसमें हम अच्छी तरह से डिसाइसिव विक्ट्री, एक अपना बढ़िया प्रदर्शन देखते हुए आगे कांग्रेस की सरकार बनाएं। आपका जो संकेत है, क्या उस तरफ है कि उस वजह से हम संकेत देखो वो बातें एक अलग होती हैं, और गुटबाजी की जहां तक बात है हर संगठन में होता है, और मैं ये कैसे कह दूं कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, सबकी सब अपने अपने जगह के लिए और अपने लोगों के लिए सब करते हैं, मशक्कत करते हैं, तो इसको गुटबाजी कहो या कुछ कहो, इसमें कौन सी, ये एक रियलिटी है, इसमें छिपाने की क्या बात है। मैम, एनडीए ने, हालांकि कांग्रेस ने जो आंकड़ा सेट किया उससे कुछ सीटें कम ही हैं, लेकिन आप लोग बहुत खुश हैं, राहुल गांधी भी कल बहुत खुश नजर आए, आपको लगता है, आप बड़ी नेत्री हैं, आपको लगता है कि पार्टी को थोड़ा सा और पुश करके सरकार बनाने की ओर कदम रखना चाहिए, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी है? देखो, ऐसी बात ना सेलजा की मर्जी से हो सकती ना आपकी मर्जी से हो सकती, ये हमारा जो गठबंधन है उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व है, सभी लोग बैठ के ये फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, कहा जा रहा है 8 जून को, इधर ये भी ये एक होती है, ये पूरा एक प्रक्रिया होती है कि पुरानी सरकार इस्तीफा देती है और नई को इनवाइट किया जाता है, तो देखो अगले कुछ दिनों में क्या निकलता है। विधानसभा चुनाव को अगर मैं, कोई आंकड़ा सेट किया है पार्टी के लिए कि हम इतनी सीट ला सकते हैं इस जीत के बाद, या अभी इस पर आप लोग चर्चा करें? देखो, टू अर्ली है ये, अभी हमने ये चुनाव में प्रदर्शन अच्छा किया है, लेकिन और अच्छा प्रदर्शन भी हम कर सकते थे, और इस चीज को ही हमने आगे देखना है कि हम और अच्छा प्रदर्शन कैसे करें विधानसभा में, तो आज के दिन कल नतीजे आए हैं, अभी उसका विश्लेषण हो रहा है, आगे आने वाले समय में रणनीति तय करेंगे सभी। आलाकमान से कम मिलने का समय मांगा आपने, तो सब ये हो जाएगा, अभी सब मिलेंगे सब।